सात समंदर पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर विदेशी पक्षियों से यूपी के हापुड़ जिले का ब्रजघाट आजकल गुलजार हो गया है। विदेश से आने वाले रंग बिरंगे पक्षी गंगा की लहरों के बीच खूब अटखेलियां कर रहे हैं। पक्षियों के कौतूहल से गंगा बेहद मनमोहक लगने लगी है। ये रंग बिरंगे विदेशी पक्षी गंगा घाट पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटक भी गंगा घाट पहुंचने लगे हैं। विदेशी साइबेरियन पक्षी हर साल सर्दी के मौसम में 4 महीने के लिए भारत का रुख करते हैं। इस बार भी हजारों की तादाद में रंग बिरंगे पक्षी गंगा में प्रवास करने आ चुके हैं। गंगा की तेज स्वच्छ जलधारा साइबेरियन पक्षियों को बेहद पसंद है। वहीं गंगा की तेज लहरें भी विदेशी पक्षियों की खूब मेहमान नवाजी करती हैं। इसलिए तो पक्षी हर साल गंगा के आकर्षण में खींचे चले आते हैं। ब्रिजघाट गंगा में नाव चलाने वाले निषाद ने बताया कि साइबेरियन रंग बिरंगे पक्षियों को देखने के लिए गंगा पर नजर दौड़ाई जाए तो गंगा की लहरों से अटखेलियां लगाते नजर आ जाएंगे। ये पक्षी गंगा के ऊपर इधर उधर उड़ान भरकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नाम रोहतास निषाद है, जो यहाँ पर मैं गंगा जी में बोटिंग कराता हूँ। अच्छा। जो बाहर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन्हें जो बाहर से आए साइबेरियन पक्षी हैं, जो साइबेरिया इलाके से आए हुए हैं, वो यहाँ पे इस टाइम प्रवास करते हैं, जो 4 महीने के लिए यहाँ पर रहते हैं। उन जो श्रद्धालु यहाँ से आते हैं हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से, उनको मैं पक्षियाँ दिखाने का काम भी करता हूँ। और जो आकर्षित केंद्र बने हुए हैं, वो पक्षी जो रूस से आए हुए हैं, वो पक्षी हम यहाँ पर दिखाते हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। ब्रिजघाट आने वाले श्रद्धालुओं को देखकर साइबेरियन पक्षी अक्सर उड़ जाया करते हैं, लेकिन इन पक्षियों को अपने भोजन के लिए श्रद्धालुओं का हमेशा इंतजार रहता है। ब्रिजघाट पर पूजा पाठ के बाद श्रद्धालु प्रसाद गंगा में प्रवाहित करते हैं। इसी प्रसाद को साइबेरियन अपने भोजन के तौर पर बड़े चाव से खाते हैं। श्रद्धालु विनय मिश्रा ने बताया कि वैसे तो साइबेरियन लोगों को देखकर गंगा की लहरों पर रुकते नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के द्वारा प्रवाहित किए गए प्रसाद पर दूर से पक्षी नजर बनाए रखते हैं, जिसे गंगा की लहरों के बहने के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। ये साइबेरियन पक्षी जो है रूस से साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया में इस टाइम बर्फबारी की वजह से सारी नदियाँ जम गई हैं और वहाँ पर इनको दाना पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हर वर्ष ये साइबेरिया से यहाँ तीर्थ नगरियों में आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गंगा नदी में अधिकतर आ जाते हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये 4 महीने का प्रवास करके सब अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। यहाँ लगभग 15 दिन हो गए इन्हें आए हुए और यहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था रहती है तीर्थ नगरियों में। जैसे आने वाले यात्री श्रद्धालु हैं ना, इनके लिए दाना परमल ये डालते हैं, तो उनसे इनका अपना भोजन होता है, इसी वजह से ये तीर्थ नगरियों में अधिकतर रहती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।